और अब खबर विस्तार से। खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से है, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह यात्रा सवाई माधोपुर जिले के तेजाजी मंदिर से शुरू हुई। राहुल गांधी के सानिध्य में निकाली जा रही इस यात्रा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। और सवाई माधोपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बजरंग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बजरंग, सवाई माधोपुर में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है, जहां देखा जा रहा है कि रैली में नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? बजरंग, जानना चाहेंगे कि सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आज एंट्री हो चुकी है और रैली में नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं? आवाज सवाई माधोपुर में आज एंट्री हुई है रैली की। नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर चल रही है। प्रियंका गांधी, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हैं भारत जोड़ो यात्रा में। आज नारी शक्ति, आज यात्रा में महिला यात्रा हमें यहाँ पर महिलाओं का कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है। राहुल गांधी के साथ ही जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो भी यात्रा में चल रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश करने के साथ ही सवाई माधोपुर में जो उनका लंच का कार्यक्रम है वो पीपलवाड़ा में रखा गया है। पीपलवाड़ा में लंच का कार्यक्रम के बाद में 12 बजे जयराम रमेश जो कांग्रेस नेता है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद में यात्रा शाम को रवाना होगी और शाम को जो यात्रा का विश्राम स्थल है वो सवाई माधोपुर के नज़दीक जीणापुर में रखा गया है, जहाँ भी तमाम व्यवस्थाएँ कर ली गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का कार्य सिलसिला लगातार जारी है। वहीं जब शाम के टाइम यात्रा शुरू होगी वहां पर उस्तला में भी एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें राहुल गांधी है नुक्कड़ सभा को संबोधित भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे तमाम नेताओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जी वही बजरंग, जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में प्रवेश कर चुकी है, अब ऐसे में अगर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो क्या कुछ बंदोबस्त और इंतजाम वहां पर किए गए हैं और क्या कुछ रूट रहेगा इस यात्रा का? बिल्कुल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुरक्षा के व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। पूरे जो यात्रा मार्ग है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जो मेगा हाईवे है लालसोट कोटा मेगा हाईवे, जिस रास्ते से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है उस रास्ते को भी पूरी तरीके से वाहनों का जो संचालन है उसको पूरी तरीके से डायवर्ट कर दिया गया है। आज सुबह 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक किसी भी वाहन को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा मार्ग है उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है और जगह जगह जितने भी पॉइंट है वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां लंच का कार्यक्रम है और जहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है वहां भारी लवाजमा पुलिस का वहां पर तैनात किया गया है। SPG भी यहाँ पर अलर्ट है और पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल बच्चों, ये भी जानना चाहेंगे कि सवाई माधोपुर में यात्रा प्रवेश कर चुकी है, कितने दिनों तक सवाई माधोपुर में यात्रा रहने वाली है? क्योंकि सवाई माधोपुर से अगर बात की जाए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक अलग यहाँ पर रिश्ता देखा जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए वहां पर सभी पहुंचे, तो कितने दिनों तक सवाई माधोपुर में यात्रा रहेगी? बिल्कुल, गांधी परिवार की अगर बात करें तो गांधी परिवार का सवाई माधोपुर और रणथंभौर से एक अलग ही लगाव रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा साल में 2 से 3 बार रणथंभौर भ्रमण के लिए आती है। राहुल गांधी भी यहां पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का भी यहां पर काफी लगाव रहा था। प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी रही थी उनका भी रणथंभौर से लगाव रहा था और सोनिया गांधी भी अभी हाल ही में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए रणथंभौर आई थी। गांधी परिवार पूरा 3 से 4 दिन रणथंभौर में रहा। कल ही सोनिया गांधी यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई है, तो रणथंभौर से गांधी परिवार का एक अलग ही लगाव रहा है, जिसके चलते अब
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में प्रवेश कर चुकी है और 3 दिन का कार्यक्रम सवाई माधोपुर में इनका रहेगा, जो खिजूरी से यहां प्रवेश किया है और मोरेल नदी पर जाकर के यात्रा खत्म होगी सवाई माधोपुर में। करीब 73 किलोमीटर सवाई माधोपुर में जो भारत जोड़ो यात्रा है वो यहां पर सफर तय करेगी। 2 दिन का यहां राहुल गांधी का विश्राम रहेगा और बड़ी संख्या में यहां जो कार्यकर्ता है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बच्चों, वही राजनीतिक दृष्टि से अगर यहाँ पर बातचीत की जाए तो क्या कुछ प्रभाव इस यात्रा का सवाई माधोपुर में देखा जा सकता है? आने वाले वक्त में जल्दी एक साल का भी समय नहीं रहा है और विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने, तो राजनीतिक दृष्टि से भी भारत जोड़ो यात्रा काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सवाईमाधोपुर जिले की जो चारों विधानसभा है सीटें हैं इनमें चारों में कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस के चारों MLA है अभी वर्तमान में, अब जल्दी विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजनीतिक दृष्टि से भी देखी जा रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस यहां अपनी पकड़ मजबूत रख सके। इसको लेकर के काफी मतलब ये जो यात्रा है ये काफी प्रभावित रहेगी यहाँ पर। जी चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में प्रवेश किया, जहां पर नारी शक्ति कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सवाई माधोपुर में एक अलग, सवाई माधोपुर से अलग लगाव गांधी परिवार का देखा जा सकता है और आज नारी शक्ति यहां पर इस यात्रा में देखने को मिल रही है। अगली खबर